आगे अपने दोस्त से घर और वो कौन सा घर से बचपन से साथ है भाई, इतना क्या बता भाई, इतना तो जेके सुपर सीमेंट भी ना चला बचपन में भाई हमने साथ में चौकी तक खाई है, क्यों भाई सर याद है बिल्कुल। कितनी छन जोड़ी है दोस्तों, तुम भी इतनी छन में बीनी लगा के घूमो जैसे मेरी तरह, देखो मैं कितनी स्मार्ट लग रही हूँ। चलो यार थोड़े गाने ही सुनती हूँ। तो यार मैं हूँ आशा पटेल, खुद और छोड़ो संपर्क चौधरी पब्लिक, अपन नहा धो के रेडी हो गए। आज देखो आज का सीन क्या है कि यार आज चलेंगे अपने एक दोस्त से मिलने, मतलब मेरा वो बहुत पुराना दोस्त है, स्कूल का दोस्त है मेरा भाई सिद्धार्थ नाम का, बहुत फनी इंसान है यार। मतलब मैं तुम्हें बताऊं पब्लिक, मेरे अंदर जितना ह्यूमर आया है ना वो सब उस एक बंदे से आया, उस एक बंदे ने मुझे ट्रेनिंग दी है, ठीक है। इतना गजब का बंदा है, हम बचपन से दोस्त पब्लिक, बचपन से स्कूल से हम साथ में यार, मतलब नर्सरी से हमने साथ में चौके खाई है, इतने तगड़े दोस्त है। तो यार उससे मिलते हैं, तो उससे मिलने से पहले यार चलते हैं थोड़ा थोड़ा सा कॉलेज चलते हैं, कॉलेज में थोड़ा सा एक इवेंट टाइप का है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा ऐसा कवर करते हैं, फिर मिलेंगे अपने दोस्त से। फिर चालू हो गया ये, मतलब सुकून से गाने भी नहीं सुनने देगा। भाई यार तू गाने बाद में सुन लो, यहाँ मुझे मेरी पब्लिक से बात करने दे। सैंडी के लैंड बहुत फायरी हो रही है यार आज तेरी सजा है कि तू आज मेरे साथ कहीं नहीं जाएगी, मैं अपने दोस्त से मिला रहा हूँ, तू वहाँ भी नहीं आएगी और तू कॉलेज में नहीं जाएगी, ठीक है, तेरी सजा है आज। अच्छा सॉरी सॉरी ना। हाँ आया बेटा मजा, अब इसको ना मतलब की रिलेशन की अपने मालिक से अगर फालतू बोलेगी तो ऐसा ही होगा। एक और बात, फिर से हम आपको अपना खाना दिखाते हैं कि अपन क्या खाना खा रहे हैं आज। Once again, public, we are eating our chowmein and sabzi and roti. ये तो मेरा लंच था जो मैं इधर ही खा के आ रहा हूँ भाई, भूख बहुत लगी है यार पब्लिक भाई एमटी एमटी भाई बर्थडे सेलिब्रेशन देख लो भाई, कुछ ऐसा होता है, खतरनाक सीन हो रखा है यार। ओह भाई मैं मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा जी भाई, देख रहे हो हालत भाई, हम हैं यहाँ टॉप ऑफ एमिटी में, टॉप ऑफ दी एमिटी में, क्या बताऊँ। नीचे देखो भाई नीचे चिराग भाई अपने लगे बड़े फोटो खींचने में, और ये सुख में चालू कर देगा भाई ये तो। भाई फोटो वोटो चाहिए, यहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं, मजे कर रहे हैं आज, पूरा फ्री पीरियड चल रहा है, मतलब क्लास क्लास तो हो रही है नहीं, ऐसी मजे कर रहे, नीचे चलते हैं भाई फोटो खींचते हैं अपनी वाली। ओ क्या भाई इसने चला दिया मोटर, पागल हो गया है भाई, आमिश भाई ने पूरा मोटर चला दिया है पानी कुछ समय, देखो तुम दिख रहा है ये वाला, ये पार्ट देखो भाई, धीरे 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 पानी आ रहा है, भाई मेरी तब क्यों आ रहा है वो भाई आ गया आ गया आ गया, पानी आ गया पानी आ गया, गांव वालों पानी आ गया, यू टर्न लो चलो भाई इंजन बंद कर दो यार। अभी हमारे संगठन में भाई मैं यहाँ का सीन दिखाऊं भाई, ये एक तरीके का हो गया इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है। मैंने वैसे बोला भैया गेट खोलो, भैया बोलते हैं कि भाई अभी टाइम है, अभी एक टाइम पे गेट खुलेगा, सारे अंदर बाहर होता है ना, एक्सचेंज होता है बॉर्डर के आसपास। भाई गेट खुल चुका है बॉर्डर बॉर्डर ओपन हो चुका है, चलो चलते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान का टूर लेते हुए। बस संगठन संगठन हो रहा है यहाँ पे यार, सारे लगे पड़े हैं मार्चिंग में, लेफ्ट राइट एमिटी न्यूयॉर्क यार, ये एमिटी न्यूयॉर्क। हम यहाँ पे आए तो संगठन में हर स्टेट का एमिटी आया यार, ठीक है, तो मार्चिंग कर रहे हैं संगठन का। हमने थोड़ा आपको दिखा दिया संगठन का, मैं बता रहा हूँ यही सीन था, सब स्टेट के एमिटी आई थी मैं, कि एमिटी कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क सिंगापुर बांग्लादेश सब आया था, ठीक है। 5 hours later यार पब्लिक दिल्ली में यार ठंड बड़ी हो गई शाम के वक्त, तो भाई मैंने फुल स्लीव्स कर रखे, इतनी ठंड हो गई है। अब चलते अपने दोस्त से घर, और मैं आया अभी सेक्टर 13 के बगल में, एक अपार्टमेंट है, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, उधर आया हूँ अपने दोस्त से मिलने, सिद्धार्थ नाम का भाई, उससे मिलते हैं, काफ़ी साल बाद मिल रहा हूँ उससे, ठीक है, स्कूल का बेस्ट फ्रेंड है मेरा। कैसे हो भैया? बढ़िया। तो यार आ गया अपने दोस्त से घर, और वो कौन झाँक रहा है घर से मेरा दोस्त सिद्धार्थ, आ जाओ भाई दिखाएं। ओह कैसा है? बढ़िया भाई। ये कौन है पीछे? हैंडसम बॉय। कैसा मेरी जान? बढ़िया, एक नंबर। और दादाजी नमस्ते। नमस्ते अंकल। यार ये अपना भाई सिद्धार्थ, कैसा भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। भाई भाई से मैं 2 साल बाद मिल रहा हूँ, सही बोल रहे हो ना भाई? बिल्कुल भाई। देखो स्कूल, मैं तुम्हें फिर से बोलूंगा यार, स्कूल की दोस्ती ऐसी होती है ना कि मेरे भाई 2 साल भी नहीं मिले, अगर 3 साल भी नहीं मिले ना यार, जो दिल से कनेक्शन होता है वो बना होता है, ठीक है। हम दोनों की फोन में बातचीत बहुत कम होती थी, ना इंस्टा पे ना फेसबुक व्हाट्सएप इन सब बात ज्यादा नहीं कर पाते थे, कि देखो हर किसी की अपनी जिंदगी है, कॉलेज आके हर कोई बिजी आता है, भाई बिजी हो गए मैं बिजी हो गया, लेकिन यार मैंने सोचा कि चलो आज अगर मौका मिला है तो क्यों ना भाई से मिले, और अपनी जो भाई बचपन की बकचोदी यहाँ है ना वो शेयर करेंगे, ठीक है, वो बताएंगे और आपको द्वारका में सब कुछ दिखाएंगे, द्वारका की मार्केट्स कैसे कैसे क्या है, कुछ खाएंगे पियेंगे मस्ती करेंगे, ठीक है। अंकल किसने बोला? अंकल किसने बोला? किसने? मेरे भाई तूने मुझे अंकल बोला? नहीं नहीं
तेरा छोटा भाई हूँ मैं। मैं तेरा छोटा भाई हूँ। तो यार अभी हम जा रहे हैं सेक्टर 10 कुछ खाने पीने। भाई देखो भाई से बातचीत करेंगे प्रॉपर सेक्टर 10 में, भाई प्रॉपर फन होने वाला। लेकिन यहाँ पे मैं बीच में मिल गया बाल भवन। बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 12 द्वार का। भाई ये स्कूल क्यों खास है? देखो अपन तो MRV से पढ़े, क्यों भाई? हाँ भाई, अपन तो MRV के अलग ही स्पेशल बंदे, अलग ही स्पेशल बंदे। हर मैडम की नजर में रहते थे, हर मैडम की नजर में रहते थे। आके आता है स्कूल में। यार बाल भवन इसलिए खास है क्योंकि यार बाल भवन में पढ़ा था अपना 12th क्लास का सेंटर। क्यों भाई सिद्धार्थ? बिल्कुल भाई, अलग ही सीन था इधर तो। भाई अलग ही सीन था, मतलब बता रहा हूँ ये गेट है ठीक है, इस गेट के बाहर भाई इतनी लाइन लगाई ना हमने, मतलब यार पेपर खत्म हुआ बंदे आके पूछते भाई तेरा कैसा कहते रहा। मैं तो भाई यहीं से यहाँ से स्कूटी निकालता था और भाई ले भगता था यार बैठ। भाई मेरा तो ये रहता था, मैं सबसे पहले निकल जाता था क्योंकि कुछ जब आते नहीं था करता क्या। कुछ आते नहीं डिस्कस क्या करे, मेरे को देख के चढ़ जाते थे पहले कैसे आ गया। ये बच्चा होनहार है। लगता है हमारे बेटे में कोई कमी है रह गई। इस स्कूल से इतना खौफ था ना क्योंकि देखो मेन चीज तो स्कूल से जुड़ी है। पेपर देके आए, फिर नेक्स्ट पेपर की टेंशन, फिर नेक्स्ट पेपर देके आए, फिर उसके पिछले पेपर की टेंशन की वो कैसा गया होगा। हाँ भाई बिल्कुल भाई, ये भी था सेटिंग भी चल जाती थी, सेटिंग भी चल जाती थी। बाल भवन वालों तुम्हें पता होगा ये चीज ठीक है। बीजेपी स्टाफ, बीजेपी साथ हम भाई नर्सरी से, भाई नर्सरी से बचपन से साथ है भाई। अब तक क्या बता भाई, इतना तो जेके सुपर सीमेंट भी ना चला। भाई भाई अपना एकदम कड़ा है भाई जोक मारने। भाई यहाँ पे सारे भाई घूरते थे, कैसे हो भाई? बढ़िया यो भाई, सेक्टर 10 चलते हैं ठीक है। वो तो कुछ खाएंगे पेंगे भाई से, सारी बचपन की बातें करेंगे, कैसे कैसे क्या सीन है, तो मजा होने वाले काफी। यार वहां कर दिया अपने अपनी स्कूटी पार्क, यहाँ आ गए हम द्वारका सेक्टर 10। भाई चकाचौंध देखो यार भाई, छठ की सेलिब्रेशन होने वाली। भाई क्या बोलूं मैं, सल्यूशन नहीं करेंगे सब लोग। आपसे बात करने से पहले भाई हमने तीन पनवाड़ियों से भाई बात कर ली कि भैया कुछ बढ़िया जो वेप की जूस, वेप से हुक्के का जो बढ़िया आइटम दिखा दो, पब्लिक भी इम्प्रेस है। लेकिन सारे अपनी चौड़ में भाई, भाई अभी नहीं, अभी हमारे पास बहुत कस्टमर है, तू दोपहर को आज बल्कि दुकान खाली पड़ी है, बल्कि दुकान खाली पड़ी ठीक है। मक्खी भी आने के ना सोच रही। यहाँ के शॉर्मा बढ़िया लग रहे थे भैया, दो प्लेट शॉर्मा रोल कर दो ठीक है, बढ़िया से कर देना एकदम भाई। 60 रुपए रेट चल रहा है, काफी सही शॉर्मा भाई, देख लो भाई रस भरा एकदम बढ़िया। भाई शॉर्मा आ गया अपना भाई, देखने में तो बढ़िया लग रहा है यार। तू तेरे हिसाब से यहाँ का बढ़िया शॉर्मा है? हाँ भाई, भाई देख ले शॉर्मा खा रहा हूँ, तूने बोला है भाई यहाँ का फेमस है बढ़िया। भाई अगर भाई फेमस नहीं भाई, यही मिलता है, खिलाना पड़ता है। क्या बहुत टेस्टी खाएगा तो मजा। भाई साहब, भाई ने बोल दिया, अब खा के देखते हैं। और अपनी ये फुल प्लेट चाउमीन मोमोज, और ये भाई सिद्धार्थ भाई अपने म्यूनिस पकड़ के जा रहे हैं। भाई मैं जा रहा हूँ, म्यूनिस अकेला म्यूनिस यार। द्वारका में बैठे बैठे भाई हमें लगी भूख ठीक है, यहाँ बैठे भाई आलीशान चेयर में भाई मोमोज मंगा लिए, शॉर्मा पहले खत्म कर चुके हैं ठीक है। स्कूल के हम भाई कैसे लड़के थे भाई, टैलेंटेड बदमाश और मैडम के खास भाई हमारे भाई लाइन कर ही देते हैं ठीक है। पर मैं तो बताता हूँ भाई, बचपन में भाई हमने साथ में चौके तक खाई है, क्यों भाई सर याद है? बिल्कुल साथ में चौक खाते थे भाई। और हमारा एक सीन और हुआ था तो याद है तेरे को, जब हम गाना गा रहे थे असेंबली में, दोनों पीछे खड़े होकर गालियां दे रहे थे, फिर मैडम ने अलग से धोया भाई। इतने यहाँ और बच्चों को बैग दिया और हमको मैम मार के भगा दिया, बताओ भाई इतने सही सही सीन ना भाई। इसका था यार सब 6th 7th 8th क्लास का ठीक है, उस वक्त हम इतने नॉटी हो गए ना, मतलब मुझे वो सीन ऐसे वो वाला सीन याद है जब हमें लंच एक बार सीन हुआ था ना कि अपने अपने डब्बे लेके आते थे, पार्टी सी होती थी क्लास में, पार्टी सी होती थी, परेशान था जो सबके लंच खा लेता। प्रशांत अगर तू देख रहा है सॉरी मेरा भाई, वो पिकनिक ऐसी थी कि भाई अगर कोई फंक्शन है, समझ लो दशहरा दिवाली आ रहा है ठीक है, उसमें क्या हुआ कि भाई क्लास में एक पार्टी थी, उसमें क्या हर कोई बच्चा अपना लंच लेके आया हुआ ठीक है। अब भाई मैं तो नॉर्मल भाई, अपन क्या है नॉर्मल सीधे साधा खाने वाले, भाई जो अपने अमीर भाई लेके आते थे भाई कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, भाई भाई को खाने नहीं मिलता था, सब भाई लंच में टूट। और आज भी होता है भाई, कॉलेज भी सेम से होता है भाई, बिल्कुल भाई। भाई मेरे को खाने को नहीं मिलता यार। अच्छा भाई देख के लग रहा है वैसे खाने को नहीं मिलता भाई, शरीर में मत जाओ भाई। 10th क्लास में क्या सीन हो सिद्धार्थ, थोड़ा थोड़ा भाई हम थोड़े थोड़े नॉटी होने लग गए ठीक है, सिद्धार्थ थोड़ा नॉटी होने लग गया अपना भाई। और भाई ये था कि भाई हमने 10th निकाल लिया अच्छे से। अब मैं तुम्हें सीरियस बताता हूँ, सिद्धार्थ का मेरा कनेक्शन इसलिए भी अच्छा है क्योंकि यार 12th क्लास में एक्सीडेंट हुआ भाई का, और फिर यार क्या सीन आया कि यार भाई चला गया था कोमा में ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ जैसे ही मुझे न्यूज मिली कैसे साहब का एक्सीडेंट हो गया, सियाद याद है? मैं तुझे नहीं याद होगा, बुआ को याद है, मेरे को इतना याद है, मेरे को घर वाले बताया भाई डॉक्टर को पागल बना के वहाँ पे
मतलब सिक्योरिटी गार्ड को, हाँ। वो इसको आने नहीं देता, फिर भी आया मेरे से मिलने। भाई इससे मिलने आया स्पेशली। भाई देखो सीन था, मुझे याद है 12th क्लास की बात थी, मेरा दोस्त था वैभव, मैं और वो भाई तुरंत स्कूल से निकले, और भाई इसके वेंकटेश्वर था ना, श्री वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर पहुंचे, और भाई वहाँ पे रिश्वत वाले ना ऊपर जाने नहीं दे, आईसीयू में था, जाने नहीं दे। भाई मैंने उनको जैसे तैसे बनाया, फिर मैं ऊपर गया, फिर भाई थोड़ा हाल सीरियस हुई थी वहाँ पे, मतलब मैं सही था 2-3 महीने चला था ये सीन। हाँ हाँ भाई, 2-3 महीने काफी सीरियस हाल थी, लेकिन वो ये ना बाय द ग्रेस ऑफ गॉड भाई हमारे साथ इधर है, और परफेक्ट कंडीशन में देखो कितने मस्त जोक मार रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि भाई कम्प्लीट, मेरी कम्प्लीट, भाई कम्प्लीट, हम आ गए एवटी में। जब मैंने पहले सिद्धार्थ को बोला, भाई सिद्धार्थ पूछता भाई कौन से कॉलेज में गया, मैं बोलता भाई एवटी। सिद्धार्थ तेरा क्या रिएक्शन था? भाई मैं हैरान था भाई, क्योंकि भाई हमारा क्लासमेट इंटेलिजेंट था उससे भाई, थोड़ा उस हिसाब से मेरे को नहीं लगा था भाई का, मेरे को लगा था भाई कोई सीधा ऐसे बोलेगा कि एकदम कोई बढ़िया कॉलेज मिल गया, मैं खुद हैरान होऊंगा भाई, खुश होऊंगा, पर यार भाई ने एमबीटी बोला यकीन नहीं हुआ नहीं, लेकिन भाई एमबीटी की पब्लिक, भाई एमबीटी बेकार कॉलेज नहीं है, थोड़ा सा प्राइवेट है ना, तो थोड़ा जुगाड़ चलता है। तुम बताओ ये भाई एमबीटी का बोल रहा है, ये पता कौन से कॉलेज में? ये है डाइट में। डाइट? हाँ भाई, वजीरपुर। भाई डाइट वजीरपुर, तुम्हें नहीं पता भाई कितना तगड़ा, कितने तगड़े मार्क्स चाहिए होते हैं उस कॉलेज में लेने के लिए भाई, वहाँ पे इतने भाई, तुझे मैं तुझे बताया था ना यार मेरा अटेंडेंस कितना तगड़ा सीन है भाई, 75% अटेंडेंस मुझे मेंटेन करनी पड़ती है, भाई हमारे भाई की सेटिंग हो रखी है भाई, सब टीचरों से एचओडी सेटिंग हो रखी है भाई, सीधा से तो फोन मारता है कि भाई अटेंडेंस लगा दियो, सीधा कहता है कोई बात नहीं भाई, कुछ साल की बोलो भी लगा दूं तेरी। भाई मन तो मेरा भी था, इसको देख लग रहा भाई काश डाइट में होता, काश ऐसे कॉलेज में भाई अटेंडेंस की दिक्कत ना होती, लेकिन ठीक है अपना बेटी महान, डाइट भी बढ़िया कॉलेज है भाई, भाई से काफी अच्छा, लेकिन भाई जितनी फैसिलिटीज नहीं है भाई, है तो सरकारी, है तो सरकारी। मैं देखो एमबीटी इस मामले में अच्छा है, एमबीटी अपने आप में एक छोटा मॉल है, कॉलेज अच्छे ऐसी बात नहीं, बस थोड़े से एमबीटी में अटेंडेंस चक्कर है भाई। भाई साहब ने आपको सारी बात बता दी, स्कूल का क्या सीन था, कैसा क्या, एमआरवी स्कूल अपना था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता एमआरवी स्कूल द्वारका में, और अभी हम द्वारका सेक्टर 10 में ही खड़े हैं, एमआरवी स्कूल था भाई, हमने वहाँ पे काफी मजे किए, ठीक है भाई। देखो उस स्कूल की यादें भाई अलग है भाई, जो स्कूल में पढ़ता भाई कमेंट कर देना यार। भाई मैं बता रहा हूँ कि चलो भाई से मिलना हो गया आज, काफी अच्छा व्लॉग बन गया मेरा खुद का भाई, मूड खुश हो गया, इतने दिनों से मिलना भाई, मिलने का मिल गया भाई। भाई तुझे पता है थोड़ा सा बिजी चलता हूँ, थोड़ा सा बिजी भाई मैं जानता हूँ यार, तेरी अपनी स्कूटी और स्कूटी उठा दो, चलते हैं फिर द्वारका की तरफ, कैसे भाई? भाई स्कूटी यार, पब्लिक मैं बहुत थक गया हूँ यार, कि आज कॉलेज में भी इवेंट था और आज फिर अपने दोस्त से मिलने गए, लेट हो गया आने में थोड़ा सा, अब सोते हैं यार, काफी थक गए हैं, तो इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पब्लिक, और लाइक कर दे वीडियो को, चलो सब्सक्राइब भी कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। 12 seconds later कर लिया सब्सक्राइब, बहुत बढ़िया। तो यार ये वीडियो यही तक थी, ठीक है यार। देखो ऐसी वीडियोस भी बीच में आती रहेंगी, लाइफस्टाइल वाली, मौज वाली, तो यार तुम मुझे कमेंट में बताना कि यार तुम्हें वीडियो कैसी लगी, तुम्हें इस टाइप की वीडियोस चाहिए और कि नहीं चाहिए, ठीक है भाई, कमेंट करो यार। और यार जिसका मुझे कमेंट बढ़िया लगेगा भाई, नेक्स्ट वीडियो में उसको शाउट आउट दूंगा, ठीक है, प्रॉपर भाई उनका कमेंट और उनका नाम लेंगे, ठीक है। तो यार ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे कमेंट करो पब्लिक, कमेंट चाहिए भाई, कमेंट मांगता है अपन को। और यार घंटा तो आ रहा ना भाई, देखो घंटे का ऑप्शन बहुत मेन है पब्लिक, घंटा तो आयो, जब भी हम वीडियो डालूंगा तो मैं नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है मास्टर की वीडियो आ गई है, हम देखते हैं, ठीक है तो चलते हैं। तो यार मैं मास्टर में आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass nigga never runs his fucking mouth, 'cause real gangster ass niggas don't start fights.